जय जिनेन्द्र विद्यार्थियों, रमो जिड़ाणम, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित इस अमृताशीति ग्रंथ की 18वीं कारिका को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने 17 तक कारिकाएँ पढ़ ली हैं, जो भी पिछली कक्षाएं हुई हैं। अब हम लोग इस 18वीं कारिका से इन आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। नो जीयते जगति केन चिदेश मोह इत्याकुल किमसि संप्रतिरेव यस्य एकोपि कोपि पुरत स्थित शत्रु सैन्यम त्वाधिको जयति सोचसि किं मुदा त्वम्। इस कारिका में आचार्य क्या कह रहे हैं, इसको पहले हम संक्षेप में समझेंगे, फिर इसका अन्वय सहित अर्थ समझेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि नो जीयते जगति केनचिद एष दोषः, कह रहे हैं कि एष मोह, यह जो मोह है ये इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली है कि इसको कोई भी जीत नहीं सकता। पूरी दुनिया में इसको कोई जीत नहीं पा रहा है। सही भी है, इतना आसान होता तो जो चाहे जीत जाता, लेकिन कोई भी नो जीते कोई भी उसको जीत नहीं पा रहा है, जीत नहीं सकता इस जगत में जगति। तो इत्याकुल किमसि संप्रति रे वयस्य, कह रहे इत्य ऐसा सोच करके, आकुल किमसि रे वयस्य संप्रति किमसि आकुल, तुम वर्तमान में क्यों, किस कारण से तुम आकुल हो रहे हो, मैंने दुखी हो रहे हो कि इस मोह ही सब चीज़ों की जड़ है, सारे दुखों की जड़ है, और मोह इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि उसको कोई आज तक जीत नहीं पाया। तो मन में आकुलता होने लगती है कि हम इस मोह को कैसे जीतेंगे, और मोह ही दुखों का कारण है, तो दुख से भी निवृत्ति नहीं होगी। तो ऐसा सोच करके तुम आकुल क्यों हो रहे हो, यानी तुम आकुल मत हो, परेशान मत हो। एकोपि कोपि पुरता स्थित शत्रु सैन्यम, कह रहे हैं कि पुरता माने सामने स्थित शत्रु सैन्यम, शत्रुओं की सेना भी विद्यमान हो, तो एकोपि अगर कोई शक्तिशाली हो तो वो एक ही उन पर भारी पड़ जाता है। एकोपि एक ही कोपि कोई भी एक ही उस पर भारी पड़ जाएगा, चाहे सामने शत्रुओं की पूरी सेना विद्यमान हो तो भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सत्वाधिको जयति सोचसि किं मुदा त्वम्, तुम क्या सोच करके परेशान हो रहे हो। सत्वाधिको जयति, कौन जीतता है, एकोपि सत्वाधिकोपि जयति, एक जो सत्वाधिक माने बलशाली हो, एक यदि कोई व्यक्ति बलशाली हो, सत्वाधिक का अर्थ होता है बलशाली, सत्व से जो युक्त तो होता है, बल से युक्त, तो ये हमारी जो आत्मा है ये अनंत शक्ति संपन्न है, और उसकी शक्ति के आगे यदि हमने उसका स्वरूप का अनुभव कर लिया, और यदि उसकी शक्ति को हमने पहचान लिया, तो सामने चाहे कितने ही शत्रुओं की, मोह की शत्रुओं की सेना खड़ी हो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके ऊपर यह स्वरूप का जो स्वरूप की जो शक्ति है वो उन पर जीत सकती है। इसलिए तुम आकुल मत हो, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा की शक्ति को पहचानो, ये इसका तात्पर्य है। अब देखिए इसमें खंडान्वय से इसका अर्थ देख लेते हैं। रे वयस्य, हे प्रिय मित्र, जगति एष मोहः, लोक में जो यह मोह है, केनचित नो जीयते, किसी
किसी के द्वारा भी नहीं जीता जाता है, ऐसा विचार करके संप्रति आकुल व्याकुल की मसी, तुम अब क्यों आकुल हो रहे हो? पुरत स्थित जो सामने विद्यमान है शत्रु सैन्यम, शत्रुओं की सेना भी यदि सामने विद्यमान हो, तो सत्वाधिक कोपि एकोपि अतुल बलशाली, कोई सत्वाधिक, कोई एक व्यक्ति भी जो बहुत ही बलशाली व्यक्ति हो, वो जयति, उसको जीत लेता है या जीत सकता है। तो हम मुधा किम सोचसी, तुम मुधा माने व्यर्थ में ही, किम सोचसी, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? यानी अगर आपको अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास है, तो आत्मा में इतनी अनंत शक्ति विद्यमान है, प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का भान नहीं है, अपने स्वरूप को हम पहचानते नहीं हैं। और जिस दिन उस स्वरूप को पहचान जाएंगे, तो वो अनंत शक्ति हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएगी, और उस मोह को हम ध्वस्त कर सकते हैं। वो मोह की चाहे सेना भी खड़ी हो, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हम अगली कारिका देखते हैं। देखिए, अब 18वीं कारिका में आचार्य ने कह दिया था कि तुम शक्ति अपनी पहचान लोगे तो मोह को जीत लोगे। तो अब यहाँ पर वो आपके अंदर, माने ये एक मोटिवेशन है, एक हमारी प्रेरणा है, हमको जगाने का काम कर रहे हैं। मुक्त्वा आलसत्वमधि सत्वबलोपपन्ना, स्मृत्वा परा च समताम कुल देवताम त्वम, सज्ञान चक्रमिदमग गृहाण तूर्णम, अज्ञान मंत्री युत मोह रिपूप मर्दी। यहाँ देखिए इसका भावार समझते हैं क्या कह रहे हैं। मुक्त्वा अलस, सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें मोह शत्रु को जीतने के लिए? सबसे पहले अपने आलस को छोड़ो, अपने अज्ञान को छोड़ो, अपने आलस को छोड़ो। और मुक्त्वा अलस सत्वम अधिसत्वम बलोपपन्ना, और अपनी स्वरूप शक्ति को, जो सत्व का अधिसत्व है, जो अधिक बल है, बलोपपन्ना, उससे युक्त हो जाओ, उस बल से युक्त हो जाओ। स्मृत्वा परा च समताम कुल देवताम त्वम, पहले तो अपनी आत्मा को पहचानो, उसकी अनंत शक्ति को पहचान लो, फिर क्या करो? बहुत आसान है मोह शत्रु को भी जीतना, तो उसका तरीका बता रहे हैं। फिर क्या करो? स्मृत्वा परा च समताम कुल देवताम, फिर स्मरण करो, भक्ति करो, किसका? समता रूपी कुल देवता की भक्ति करो। तुम समता का पालन करो, मोह पे जीतना हो ना तो समता को ध्यान करो। अब ये समता का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, तो समता पर प्रश्न भी आता है पूरा, क्योंकि कई कारिकाएँ समता से संबंधित हैं। एक निबंध भी समता पर लिखने को प्रायः प्रश्न पत्र में कह दिया जाता है। तो कह रहे तुम समता रूपी कुल देवता है तुम्हारा, जैसे लोग कुल देवता की पूजा करते हैं ना अपने घरों में, तो कोई ना कोई कुल देवता होता है, तो कहते हैं लोग साहब हमारे कुल देवता का अर्थ होता है हमारे कुल में इनकी पूजा होती है, और दुनिया में कोई पूजा करे ना करे लेकिन हमारे कुल में पूजा होती है, इसलिए कुल देवता। तो हमारे परिवार का देवता है ये समता, समता की पूजा करो। और सच ज्ञान चक्र मिद मग गृहाण तोड़, और तुम सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण करो। अब अगर तुमने ये जल्दी से शीघ्र ही इसको ग्रहण कर लिया, तो अज्ञान मंत्री युत मोह रिपूप मर्दी, अज्ञान रूपी मंत्री और मोह रूपी राजा, शत्रु राजा, जो अज्ञान मंत्री से युक्त ये जो मोह रूपी शत्रु है, उसका तुम मर्दन कर दोगे, उसको शीघ्र ही उसका नाश कर दोगे। अगर तुमने समता को धारण कर लिया, एक तो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया, दूसरा समता को धारण कर लिया, तीसरा तुमने उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान रूपी चक्र धारण कर लिया, तो तुम
अज्ञान मंत्री से युक्त मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे, ये इसका भावार्थ। अब देखिए इसमें इसे खंडान्वय से इसकी व्याख्या समझते हैं। अलसत्वम माने आलस को, अलसत्वम मुक्त्वा आलस्य को छोड़कर अधिसत्व बलोपपन्न माने अपने सैन्य बल से युक्त हो जाओ, स्वरूप बोध रूपी सैन्य बल यानी अपनी आत्मा का बोध करके, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जो सैन्य बल है इससे युक्त होकर। च और पराम समता कुल देवताम उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवता का, उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवता का स्मरण करके, स्मृत्वा उसका स्मरण करके, अग हे पुत्र त्वम तूर्णम तुम शीघ्र ही इदम इस सज ज्ञान चक्रम सम्यक ज्ञान रूपी चक्र रत्न को ग्रहण ग्रहण करो। अगर तुमने क्या करो, समता रूपी कुल देवता का स्मरण कर लो और तो फिर तूर्णम शीघ्र ही इदम सज ज्ञान चक्रम इस सम्यक ज्ञान रूपी चक्र रत्न को ग्रहण ग्रहण करो। अगर इसको कर लेंगे तो अज्ञान मत्री युत मोह रिपुपमर्दी, अज्ञान रूपी मत्री सहित, मंत्री सहित जो मोह राजा रूपी शत्रु है उसको तुम परास्त करने वाले बन जाओगे, यानी तुम्हें जल्दी से इसको परास्त कर लोगे यदि तुमने इस तरह से अपनी अभ्यास कर लिया, स्वरूप का अवलंबन ले लिया, कुल देवता समता रूपी कुल देवता का स्मरण कर लिया और सम्यक ज्ञान रूपी चक्र रत्न को धारण कर लिया, तुम अज्ञान और मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हम अगली 20वीं कारिका देखते हैं, एक कारिका पढ़ते हैं 20वीं कारिका। देखिए सत्व ही केवल मल फल तिष्ट सिद्धि युक्तम तया समतया यदि कपरस्ते एतद्वयेन सहित यदि बोधरत्नम एकस्त्वमेव पतिरग चराचराणाम। ये क्या कह रहे, सत्व ही केवल मल फल, केवल मल फल तिष्ट सिद्धि, इस सत्व माने जो आत्मा का अनंत शक्ति है वो ही केवल अकेली बहुत है तुम्हें पार लगाने के। फल तिष्ट सिद्धि, तुम जिस फल की इच्छा है तुम्हारी वो ही तुम्हें, जो निर्मल फल चाहिए, जो उस तुम्हारी इच्छा है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी सिद्धि के लिए एकमात्र तुम्हारा जो स्वरूप का अवलंबन है यानी स्वरूप की शक्ति का अवबोधन है वही काफ़ी है। युक्तम तया समतया यदि कह परस्ते, और उसके साथ यदि समता भी जुड़ जाए, एक तो ज्ञान हो कि तुमको स्वरूप का ज्ञान हो गया, अपनी शक्ति का एहसास हो गया, फिर उसके बाद तुमने समता का अवलंबन ले लिया, यदि आपने दोनों काम कर लिए तो यदि यदि ऐसी हो जाए तो कह परस्ते फिर कौन हरा सकता है तुमको, मोह की तो ताकत ही नहीं है कि हमको हरा दे। एतद् द्वयेन सहिता यदि बोध रत्नम, और इन दोनों के साथ यदि बोध रत्न भी हो माने ज्ञान भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो, बोध रत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, इनके साथ यदि सम्यक ज्ञान भी साथ में जुड़ जाए, एतद् द्वयेन सहिता यदि बोध रत्नम, इन सब के साथ यदि सम्यक ज्ञान भी जुड़ जाए तो एकस्त्वमेव पतिरक चराचराणम, तो कह रहे हैं फिर एक ही माने एक तुम ही अकेले इस पूरी दुनिया के माने चराचराणम इस चराचर जगत के तुम ही मालिक हो, फिर कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप जो अपना आत्मा का आनंद लेने लग जाएंगे, अपने स्वरूप को समझने लग जाएंगे, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती, माने सारे चराचर के फिर तुम ही राजा हो, कोई और राजा नहीं है। अब देखिए इसका खंडान्वय से भी अर्थ समझ लेते हैं।
ये देखिए, केवलम सत्वम ही अलम, कह रहे केवलम माने मात्र सत्व ही पर्याप्त है, पराक्रम ही पर्याप्त है, क्योंकि उससे ही इष्ट सिद्धि फलती, अपने इष्ट की सिद्धि हो जाती है। यदि तया समतया युक्तम, यदि वह जो सत्व का बोध है वह यदि समता से युक्त है तो तुम से परह कह अन्य, तो तुमसे श्रेष्ठ कोई और कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं हो सकता। और एतद्वयेन, इस पराक्रम और समता के साथ यदि बोध रत्नम, सम्यक ज्ञान रूपी बोध तुम्हारे साथ है, तो अग माने हे पुत्र, एकस्त्वमेव, एक तुम ही चरा चराणाम, जग चर और अचर प्राणियों के अधिपति हो जाओगे। एक प्रकार से ये देखें कि ये हमको मोटिवेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो तुम दुनिया जीतना चाहते हो ना, इस संपूर्ण मोह को जीतना चाहते हो ना, तो देखो पहले तीन उसके कारण बताए, तीन चीज़ें करनी है। एक तो अपनी शक्ति का एहसास, स्वरूप पराक्रम का एहसास, और दूसरा समता, और तीसरा सम्यक ज्ञान, सही तत्व ज्ञान होना चाहिए, और समता का अभ्यास होना चाहिए, और स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, स्वरूप अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, फिर तुमको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता, तुम ही दुनिया के फिर अधिपति हो जाओगे, स्वामी हो जाओगे। तो इस 20 कारिका यहाँ तक संपन्न हुई, अब अगली कारिका हम लोग फिर लेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग 21वीं कारिका से समझेंगे।